नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जानते ही अच्छे ही होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है स्पेशल, क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी। कितनी तारीख है आज? 17 जून। इतने साल हो गए कि हम डेट ही भूल गए हैं कि हमारी शादी कब हुई थी। और आज देखते हैं, अब लॉकडाउन के बाद का पीरियड है तो मार्केट वगैरह भी अधिकतर बंद ही रहती है। तो देखते हैं आज का हमारा प्लान क्या है और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बस थोड़ा बहुत घर ही के लोग हैं, एक्स्ट्रा तो किसी को बुलाया है नहीं। तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर ब्लॉग में नए हैं या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो देखते हैं आगे की प्रोसेसिंग। तो ये देखिए, कल रात ओरियो की आइसक्रीम बनाई गई थी। पहले तो आए थे 5 बिस्किट। 5 बिस्किट में से सारे बिस्किट सौम्या और शशांक ने बिल्कुल पेट में चले गए वो, और एक बिस्किट बचा था तो उसी से ओरियो की आइसक्रीम जमाई गई थी। और सुबह सुबह सौम्या उठ के आई और कहने लगी मुझे ओरियो की आइसक्रीम खानी। तो देखिए बिल्कुल चटकारे लेके खा रही, और इसका फेस देखिए आप। सौम्या आज क्या है? किसकी एनिवर्सरी आज? देखिए सौम्या को भी पता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। तो आपने बोला नहीं हमसे हैप्पी एनिवर्सरी, बोलो फिर। और उधर सुशांत आराम फरमाते हुए अभी नहाने जाएंगे थोड़ी देर में। तो देखिए देखते हैं क्या क्या बन रहा है। मीठे में बन रहा है पूरी, और उसमें बनेगी भिंडी की सब्जी, रोटी पूरी कह लीजिए कुछ भी। और इसके बाद दिन में बनेगा दाल चावल। तो चलिए सबसे पहले तो बना लेते हैं हम अपनी पुआ। पुआ जो है उत्तराखंड का ट्रेडिशनल व्यंजन कह लीजिए, जो हर शादी विवाह समारोह में बनाया जाता है। ये मेरा पहला वीडियो था अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए, तो आज भी मैं इसको ही बनाती हूँ। देखिए गाइस, मीठा भी बनके तैयार हो चुका है। ये बनाया सिंगल और ये बनाया पोहे। ये देखिए सारे पोहे और सिंगल बनके तैयार हो चुके हैं। तो गाइस अभी पार्सल आ रहा है, बुआ ने भेज रखा है। अच्छा तो गाइस घर ही में रहना है तो कर लेते हैं कुछ पार्टी सार्टी, मतलब बैलेंस वगैरह लगा के। और इसमें मेरी हेल्प करने वाली है। कौन करेगा मेरी हेल्प? सौम्या करेगी मेरी हेल्प। चलो मुझे बांटा दे दो। तो गाइस आज है एनिवर्सरी, तो कुछ हाय गाइस आपको यादगार पल सुनाते हैं अपनी एनिवर्सरी के। तो जब शादी होने वाली थी तो फरवरी के टाइम पर ये मुझे देखने आए थे। तो अब मैं भी एक्साइटेड थी कि पता नहीं लड़का कैसा होगा, क्या होगा, मोटा होगा, पतला होगा, लंबा होगा, छोटा होगा। तो बाहर से कोई आया, उसने बोला कि आ गए हैं लड़के वाले, आ गए हैं 4-5 लोग हैं।
और एक लड़का है थोड़ा सा मोटा है, पेट थोड़ा सा निकला हुआ है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं ये नहीं होगा, लड़का तो पतला होगा लंबा होगा। तो उनके साथ एक पतला लड़का भी आ रहा था जो मेरे ननद के हस्बैंड है। तो मैं अब हम तो कभी मिले नहीं थे तो मैंने सोचा कि वो होंगे हस्बैंड। तो फिर तो जैसे एंटर मारी तो सब कुछ बैठे बैठे, तो फिर कहा कि लड़की को बुलाओ। तो फिर मैं गई, मैंने पहनी हुई थी नीली साड़ी, तो इनके सुआ भी जो नीली साड़ी थी वो इनका फेवरेट कलर है। तो देखिए आज भी इन्होंने नीली कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। तो इन्होंने सोचा कि देखो अभी तो हमारी शादी वादी कुछ हुई नहीं, अभी सिर्फ हम लड़की को देखने के लिए आए हैं और ये लड़की ने तो मेरी पसंद की साड़ी पहनी हुई है, तो बस यहीं पर टाका भिड़ा लेते हैं और यहीं पर शुरुआत कर देते हैं अपनी आगे की, और इसी लड़की को हाँ कह देते। तो ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये बिल्कुल भी उठे नहीं कुर्सी से। अब हमें एक टेंशन और कि पता नहीं कहीं लड़का पैर से थोड़ा वो तो नहीं है, चल के नहीं दिखा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बंदा बैठा था भैया। ये कुछ थे शादी के बारे में यादगार पल। और आप कुछ कहोगे क्या? अब मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं तो मैं मोटा था, लड़की मोटी मिल गई, बस समझ तो लेके खुश हो गए। अभी बैलेंस वगैरह फुला लिए थे मैंने, तो मैंने कहा जल्दी से जरा थोड़ा सा डेकोरेट कर लूं। ये देखे बैलेंस वगैरह फूल गए और इधर भी मैंने लगा दिया, अब नीचे कूड़ा भी हो गया। सबसे पहले जल्दी से झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और शशांक ने सुबह से कपड़े चेंज नहीं करा, अपने कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी से निकाल रहा है और पता नहीं क्या पहनेगा, आप देखते हैं। तेरे पीछे भी उड़ रहा है सुशांत भाई, कपड़े बदल के बैठ चुके हैं और अपनी गन से फायर कर रहे हैं। सौम्या का हो रहा है डांस। सौम्या कौन से गाने पे डांस कर रही हो? मैं घूम रही हूँ। घूम रही हो? घूमर घूमर करो फिर, घूमर घूमर। अब ऐसे ऐसे भी करो हाथ से, ऐसे थोड़ी बहुत सजावट हो गई है। और हमारी बुआ ने केन पेन और मिठाई थी। हाँ रेडी सरप्राइज। देखिए हमने पूरा कमरे को डेकोरेट कर दिया है। सौम्या आज क्या है? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और जी मैंने कार्ड बनाया था इनके लिए। मेरा भी तो दिखा दो, मैंने भी तो बनाया था। और शशांक ने भी बनाया था लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ रख दिया है। और ओरियो का भी कुछ बनाया था। अब मैक्रोनी बना दो। देखिए चटपटी मैगी बन के तैयार है। कोई खास पार्टी वार्टी तो मेरे पास एक मैगी बनाई है शशांक के लिए। इसका ऑर्डर है आपको पता ही चल गया होगा। शशांक की फरमाइश है कि जल्दी से मैक्रोनी बनाई जाए, फिर शाम को तो वही रोटी सब्जी रायता वगैरह बनेगा। जल्दी से चाय और मैक्रोनी उबाल लेते हैं। ये बनाइए अरबी की चटपटी सब्जी और ये है रायता, वो भी राई के तड़के वाला रायता। देखिए ये केक आज स्पेशली लावण्या हमारी भांजी ने हमें जोमेटो से एक सरप्राइज दिया था। थैंक यू लावण्या एंड हैप्पी बर्थडे बुआ फैमिली। बुआ फैमिली थैंक यू। थैंक यू। आज जो सारा आइटम है वो जोमेटो से लावण्या के द्वारा भेजा गया है। ये है पेड़े आदित्य के। चलो
उठो यहाँ से भी, आप उठिए, आप भी आप इधर आओ, आप भी आओ, तुम गल मत देना। Happy birthday, happy anniversary to us. Happy anniversary to us. Happy anniversary to us. सौम्य क्या खा रही हो? इसमें जेली भी है और पिंटला भी भरा हुआ है और चार चम्मच मिठाई है, मिठाई भी। हाय गाइस, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। आप सब लोग हमारे वीडियो देख के बहुत एंजॉय किया होगा आपने। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए सौम्या और सौम्या के पापा ने भी बोल दिया आज, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब आज का व्लॉग हम करते हैं एंड, और सौम्या और शशांक फोड़ रहे हैं गुब्बारे। चलो फोड़ो। जल्दी से नहीं, मैं नहीं फोड़ूंगी। सारे तो शशांक ने फोड़ दिए।